शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरे असूल, मेरे आदर्श बेड़िया बनकर मेरे पैरों को जकड़ लेते हैं। जन्म के बाद सिर्फ एक ही चीज निश्चित है, वो है मृत्यु। तुम जाओगे वहाँ? अपने खानदान को बर्बादी से बचाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा? एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम्हारे इतने करीब आने के बाद भी मैं सिर्फ इतना ही जान पाई हूँ कि तुम्हारा नाम प्रताप है और तुम बॉम्बे में रहते हो। यहाँ से जाने के बाद अगर मैं चाहूँ भी तो तुम्हें ढूंढूंगी कैसे? कौन बात है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। किरण जल्दी कर, जाना नहीं है क्या? बाय प्रताप, बाय। जब भी मिलते हो तो चहकते रहते हो, तुम हंसते मुस्कुराते हुए एक खुशगवार इंसान नजर आते हो, लेकिन जब भी तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो यूं लगता है कि तुम अपने आप से ही नाराज हो। स्वस्ति नारख्यो आरिष्ट नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वयः पृथिव्यां पयोपदीश पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो। आओ किरण, चल। प्लीज कार्ड देखिए। कार्ड तो नहीं है मगर सॉरी, आप कार्ड के बिना अंदर नहीं जा सकते। देखिए मेरा नाम, माफ कीजिएगा, बिना कार्ड के अंदर आने की परमिशन नहीं है। मेरा नाम, आप चाहे जो भी हो, बिना कार्ड के हम आपको अंदर आने की परमिशन नहीं दे सकते। ओके, जरा देखना। आप एक काम कीजिए, अंदर जाके यशवंत कोहली से कहिए कि प्रताप आया है। प्रताप, बहुत बड़े आदमी की शादी लग रही है, तुम्हारा दोस्त है क्या? गेट खोल दो। प्रताप, प्रताप मेरे भाई, अगर तू इस बार नहीं आता ना तो मैं उधर आके तेरी सारी फॉरेस्ट ऑफिसर ही निकाल देता। चल, माफ कीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं सके। आप अंदर आइए ना, प्लीज जी। प्लीज आइए, आइए, आओ भैया, इधर है। ये हमारे खास मेहमान हैं। भैया आप आ गए। पगली, तूने सोचा कैसे कि तेरी शादी में मैं नहीं आऊंगा? प्रणाम भाभी। नमस्ते भाभी। आज मैं बहुत खुश हूँ प्रताप, कुसुम की शादी के बहाने इतने दिनों के बाद तुम्हें देखने का मौका तो मिला। आइए जी। किरण, आओ मिलाता हूँ सबसे। ये मेरी भाभी माँ है। जीती रहो। ये मेरी छोटी भाभी है। नमस्ते। और ये यशवंत भैया है। नमस्ते। ये मेरी छोटी बहन है जिसकी शादी है। प्रताप, तुमने शादी? नहीं नहीं भाभी माँ, आपके आशीर्वाद के बिना ये कैसे हो सकता है। ओ अच्छा, जाओ तुम बड़े भैया से मिल लो, हम किरण से मिल लेते हैं। आओ किरण। बड़ी बुरी हालत है भैया, टिकट ही नहीं मिल रही थी। ट्रेन के बच्चे, मारूंगा मैं तेरे को, प्लेन में नहीं आ सकता था। ये हमारा लाडला भाई प्रताप है। प्रणाम। जीते रहो बेटा। मुबारक हो। कुसुम, कुसुम, बड़े भैया ने और ईशान भैया ने तुझे सब कुछ दिया है, मगर मेरी तरफ से ये शिमला की दो टिकटें, प्लेन की।
वहां एक डाक बंगला है, कुछ दिन वहां जरूर गुजारना। वहां तुझे कुछ और मिले या ना मिले, सुकून बहुत मिलेगा। तो तुम प्रताप को कुछ दिनों से जानती हो? जी हाँ भाभी जी, लेकिन लगता है कि सदियों से जानती हूँ उसे। और क्या प्रताप की तरह तुम भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही करती हो? नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। आइए। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। वो ये स्वामी जी अपने आश्रम से कभी निकलते ही नहीं। तुम स्वामी जी की भक्त हो? जी मैं नहीं, मेरी माँ। हाँ। नमस्कार स्वामी जी। बहुत बहुत मुबारक हो पीके साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। भैया तुम्हारे कारण ये जोगी को आश्रम छोड़कर सांसारिक काम में आना पड़ा, वरना जोगी का सांसारिक काम से क्या लेन देन। स्वामी जी आपको तो आश्रम में ही रहना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बच्चों को जरा आशीर्वाद। आइए आइए। आयुष्मान सब पूछ लिया या कुछ बाकी है? नहीं, लेकिन अगर मैं पूछने बैठूंगी तो मेहमानों की देखभाल कौन करेगा? अच्छा तुम यहीं पर बैठो। हाँ मैं आती हूँ। क्या? तुम्हारे भैया तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम उनसे दूर रहते हो। प्रताप, बड़े भैया ने आपको बुलाया। चलो आता हूँ। उस लड़के से प्यार करती हो? क्या मतलब? उस लड़के से जो 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 प्रताम्बर कोहली का भाई है। प्रताम्बर कोहली स्मगलर, प्रताम्बर कोहली खूनी, प्रताम्बर कोहली देशद्रोही। वो प्रताम्बर कोहली जो जुल्म की दुनिया का बादशाह है। समझे कि वो कौन सी दीवार है जो खून का रिश्ता होने के बावजूद भी दोनों भाइयों के बीच इतनी दूरी बनाई हुई है। पिछले 8 सालों से उसने अपने पूरे खानदान से रिश्ता तोड़ रखा है। माँ, उसके बड़े भाई, उनका खानदान जैसा भी हो, मेरा ताल्लुक तो उनसे है ना माँ? लेकिन उसका ताल्लुक उस खानदान से टूटने के बाद भी रहेगा। खून के रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते बेटी। जिस दिन उस घर में बर्बादी की आग लगेगी उसके शोले प्रताप तक भी पहुंचेंगे। मैं आप लोगों की इज्जत करता हूं, इसलिए मैंने आपके साथ मीटिंग की, आपके प्रपोजल पर गौर किया, लेकिन मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा इस काम में मैं आपका साथ दूं। मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्ल की तबाही का कारण मैं बनूं। इसके अलावा मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो मैं तैयार हूं। कोई बात नहीं पीके साहब, कोई बात नहीं। शुक्रिया। भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर आपको इनकार ही करना था तो पहले भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकता था, लेकिन यशवंत मैं चाहता था कि हमारी बहन कुसुम की शादी अमन और सुकून के साथ हो जाए। भैया ये लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते थे? यशवंत मैंने कहा था ना, हमारा पेशा शतरंज के भी साथ है, इन मोहरों को तो हम कुचल सकते हैं, लेकिन अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि इनका बादशाह कौन है। Thank you.
स्वामी जी, यह है मेरा बेटा। पांव छुओ, पांव छुओ। आयुष्मान भव। ऐसा कौन सा भयानक कष्ट आ गया है कि मेरे प्रिय भगत चिंतित नजर आ रहे हैं? पर तांडिया, तुम तो अत्यंत क्रोधित मालूम पड़ रहे हो। सगड़ा गड़बड़ चला स्वामी जी, पीताम्बर कोहली ने हमें मना कर दिया। सर, दिस इज वेरी बैड। स्वामी जी, सर ये गलत बात है। ये पी के अपने आप को समझता क्या है? हाँ, क्या वो गॉड है? जो वो बोलेगा वही होगा। हमने उसको इतनी इज्जत दी और उसने हमारे साथ धोखा किया। आपके कहने पर तो हमने माल भी मंगवा लिया, अब पता नहीं कितने का नुकसान उठाना पड़ेगा। सर, हम लोग मुसीबत में हैं और आप हंस रहे हैं। हंस इसलिए रहा हूं कि मुझे मालूम था कि पीताम्बर कोहली तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाएगा। उसकी बहन की शादी शांति से हो जाए, उसके लिए तो उसने इनकार नहीं किया। आपको जब सब मालूम था तो हम लोगों को वहां पर हाथ मिलाने के लिए भेजा ही क्यों? और जब आप सब जानते थे तो माल मंगवाने की जरूरत ही क्या थी? तो मुझसे सवाल पूछता है? स्वामी से सवाल पूछता है? पागल, मैं तुझे पागल दिखता हूं क्या? स्वामी जी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? मैंने तुम लोगों को वहां हाथ मिलाने के लिए भेजा, तभी तो मुझे पता चला कि पीके का छोटा भाई यशवंत कोहली हमारे काम का आदमी है। उसे हमारे करोड़ों का धंधा समझ में आता है। मैंने माल मंगवा लिया, पीके के साथ मिले या ना मिले, करोड़ों का मामला है, माल आएगा। कोई एक आदमी हमारी तरक्की के रास्ते में पत्थर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। वो कहे कि धंधा बंद करो, हम नहीं करें। एक काम करना होगा, हर शुभ कार्य के पहले जैसे भेंट चढ़ाते हैं, वैसे ही इस शुभ कार्य के पहले भी एक भेंट चढ़ाना होगा। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? अभी अभी तो तू आया है, कुछ दिन और नहीं रुक सकता? नहीं भैया, वहां बहुत काम है मुझे। ए काम के बच्चे, एक हफ्ता यहां पर रुक जाएगा तो वहां की सरकार नहीं बदल जाएगी, कहीं नहीं जाना, समझा? ये नहीं रुकेगा यशवंत, तू जाना है तो जा प्रताप, लेकिन मेरी एक बात सुनता जा। तुझे मुझसे जो भी शिकायत है ठीक है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं भैया, शिकायत उस कुर्सी से है जिस पर आप बैठे हैं। एक ही बात है, मैं इस कुर्सी से उतर नहीं सकता और तुम्हारी शिकायत कभी दूर नहीं होगी। तुम्हारे और मेरे बीच के दीवार कभी नहीं गिरेगी। लेकिन कुसुम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेनका का क्या कसूर है? और तुम्हारी भाभी ने क्या गुनाह किया है जो तूने इनसे भी रिश्ता तोड़ लिया? 5 साल, 5 साल का अर्सा कोई कम नहीं होता प्रताप। जब से तू इस घर से गया है, एक बार कभी पलट कर देखा है? सर, 5 साल मैंने भी 5 सदियों की तरह काटे पड़े भैया। अकेलेपन और तन्हाई का कड़वा जहर पिया है मैंने। ये घर मुझे बुलाता है, यहां की यादें मुझे खींचती हैं, मगर मेरे असूल, मेरे आदर्श बेड़िया बनकर मेरे पैरों को जकड़ लेते हैं। मुझे तुझ पे फक्र है प्रताप, मैं तेरे असूलों, तेरे आदर्शों की कदर करता हूं, मगर खून का रिश्ता भी तो कोई चीज होती है। साल में कभी एक आध बार मिलने आ जाया करो, कभी कभी तुझे मिलने के लिए, तुझे सीने से लगाने के लिए जी तड़प उठता है ना भैया। हेलो। भगवान भला करे उसका। मिल गया, बलि चढ़ाने का पवित्र स्थल भी मिल गया। मगर फोन किसका था स्वामी जी? पीताम्बर कोहली के वफादार का, जो अब गद्दार बन चुका है। स्वामी जी, एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं हम खुदकुशी तो नहीं कर रहे? पीके शेर है शेर, और शेर को मारना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सत्य कहा तुमने,
परंतु तुमने वो कहावत नहीं सुनी, एकता में बड़ा बल है। यदि 10 कुत्ते एक का कर ले तो एक शेर का शिकार जरूर कर सकते हैं। कुत्ता? कुत्ता मतलब? कुत्ता मतलब कुत्ता, डॉग, कुत्ता, डॉग, पपी, डॉबरमैन, तो कुत्ता, ये कुत्ता, ये कुत्ता, सब कुत्ते। मैं थोड़ा बड़ा कुत्ता, आदमी को अपनी असलियत मालूम होनी चाहिए। हम सब कुत्ते मिलकर उस शेर का शिकार जरूर करेंगे, इसलिए कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों में फूल नहीं लगते। पंडित जी, जी साहब, सबको खूब खिलाइए। जी साहब, बेटे को चाहिए तो मांग लेना। हाँ, नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मी जी, यहाँ आओ। ये लो। ये क्या? ये हमारी शिमला की टिकटें हैं। आखिर अपने फुर्सत निकल ही ली, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं हम? वहां जाके देखेंगे, दिल लग गया तो जब तक जी चाहे। प्रताप कह रहा था बहुत सुकून है वहां, उसी के साथ चलते हैं। लक्ष्मी, बहुत थक गया हूं मैं। होने से क्या होता है, वक्त पर एयरपोर्ट भी तो पहुंचना चाहिए। मैंने देर कर दी लक्ष्मी, नहीं, मैंने देर कर दी। प्लेन छूट गया लक्ष्मी, प्लेन छूट गया। Thank you.
जन्म के बाद सिर्फ एक ही चीज निश्चित है, वो है मृत्यु। इस पापी संसार से कभी ना कभी हम सबको जाना है एक दिन। अब तुम बड़े हो, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम पर है। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, धीरज से काम लो। कोली परिवार के शुभ चिंतक होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। पीताम्बर कोली की चिता की आग शाम तक ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो आग तुमने तुम्हारे दिल में लगाई है दुश्मनी की, सब कुछ जलाकर खाक कर देगी, भस्म कर देगी। समझौता कर लो, समझौता कर लो अपने दुश्मनों से, कर लो। मैं कराऊंगा, कर लो। नहीं स्वामी जी, नहीं। आग तो अब तभी बुझेगी जब मेरे पिता समान भाई के कातिलों की चिता जलेगी। स्वामी जी, मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रताप, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूं। अपने भाई से कहो समझौता कर ले, कर लो समझौता। नहीं दूंगा, चलो मेरे साथ। इस घर से दूर, इस शहर से दूर, यहां से बहुत दूर कहीं चले जाएंगे हम सब लोग, जहां दहशत का राज ना हो, जहां बिना खौफ के एक आजाद जिंदगी जी सके हम सब। चलो भाभी मेरे साथ चलो। प्रताप, तू मुझे मेरे पति का घर छोड़ने के लिए कह रहा? पागल, औरत कब अपने पति का घर छोड़ती है? जब उसकी आरती निकलती है। नहीं भाभी मां, नहीं, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। बारूद के ढेर में आग लग चुकी है, अब यहां पहले से भी ज्यादा गोलियां चलेंगी, पहले से भी ज्यादा खून बहेगा, और हर गुजरने वाले वक्त के साथ तुम्हारे दिल का घाव बढ़ता चला जाएगा। अभी जुल्म की हुकूमत में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा भाभी मां, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, दम घुट जाएगा तुम्हारा। देखो भाभी मां, यशवंत भैया तो नहीं मानेंगे, तुम मेरे साथ चलो। नहीं प्रताप, मेरे लिए यहां से कहीं भी जाना नामुमकिन है, पर तुम यहां से चले जाओ। भाभी मां। हाँ प्रताप, पिछले 20 वर्षों से मैं इस परिवार के सर पर मौत की लटकती हुई तलवार देख रही हूं। भगवान के चरणों में माथा टेक कर रक्षा की भीख मांगते मांगते मेरी सारी जिंदगी गुजर गई, फिर भी मैं अपने सुहाग को नहीं बचा सकी। मैंने बहुत कुछ सहा प्रताप, और भी बहुत कुछ सह सकती हूँ, मगर तुम्हें कुछ हो गया ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तू यहां से चला जा, मेरे लिए चला जा। बड़े भैया तो चले गए, मगर वो कुर्सी अब भी मौजूद है जिस पर वो बैठा करते थे, और आज उस कुर्सी पर यशवंत भैया बैठ गए। यशवंत भैया के गुस्से को तो भगवान भी नहीं रोक सकता। अगर उन्होंने कहा है कि वो खून की नदियां बहा देंगे, तो देखना, खून की नदियां जरूर बहेंगी। मैंने अपनी जिंदगी की हर उलझन का फैसला एक मिनट में किया, एक मिनट में, मगर आज पहली बार जिंदगी में मैं बौखला गया हूं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इतना बेबस मैंने पहले अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। पता नहीं आने वाला कौन सा पल, कौन सा तूफान लाएगा।
भाभी मां खतरे से बिल्कुल बाहर है। और यशवंत भैया? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बाकी बाकी क्या? अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, चार गोलियां लगी हैं। एक्सक्यूज मी, घबराओ मत प्रताप, शहर के सारे बड़े डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और दिल्ली से डॉक्टर गर्ग भी आ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो यशवंत भैया को कुछ नहीं होगा। भैया कहाँ? वो अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आए। भाभी यहाँ चलिए। के लिए कोई भी नहीं है। क्या प्रताप, ये दुश्मनों की कोई बहुत बड़ी चाल लगती है। हम लोग पहुंच रहे हैं, तुम वहीं रुकना। हाँ। सिस्टर, सिस्टर। यस सर। जशन गोली को फौरन दूसरे रूम में शिफ्ट कीजिए। लेकिन सर। बहसबाजी मत कीजिए, आप जानती ना वो कौन है। I know, sir. उनकी जान को खतरा है ना, कम ऑन। गौर से सुनो, हमारे सारे ठिकानों के साथ साथ तुम गावकर साहब के बंगले पर भी आदमी भेज दो। हमारी कुसुम है ना वहां, तुमसे जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो, उसकी हिफाजत भी जरूरी है वहां। इडियट अंकल, कुसुम की जान भी खतरे में है क्या? नहीं बेटे, खतरा तो नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है। देखो प्रताप, अंडरवर्ल्ड के अपने कुछ उसूल होते हैं। यहां औरतों को, बच्चों को और परिवार के लोगों को कारोबार से दूर रखा जाता है, लेकिन आज पहली बार इस जंग में एक औरत जख्मी हुई है। और वो औरत मेरी माँ है, मेरी भाभी माँ है। अंकल, वो लोग जो चाहते हैं कर दीजिए, मगर इस खून खराबे को रोकिए। आप उनसे कहिए कि वो जो चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, उनकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, मगर इस जंग को रोके वो। बेटे, हो सकता है कि तुम्हें मेरा मशवरा बुरा लगे, लेकिन इस जंग को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें कोली परिवार पर लगे हुए उन जख्मों को भुलाना होगा। अपने परिवार के लिए और उनकी भलाई के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि
कि मैं उनसे हर कीमत पर मिलना चाहता हूं। बस तुम जाओगे वहां? अपने खानदान को बर्बादी से बचाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा? ठीक है, तुम जाओगे तो यह मसला आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि प्रताप तुम हमारे होते हुए भी हम में से नहीं हो।